जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप बी के पांचवें मुकाबले में पपुआ न्यूगिनी को स्कॉटलैंड ने 17 रन से हरा दिया। यहाँ पे पपुआ न्यूगिनी की टीम 166 रन का पीछे करने उतरी, लेकिन पूरी टीम 19 ओवर 3 गेंदे शेष रहते हुए पूरी की पूरी टीम 138 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। इस तरह से स्कॉटलैंड ने यह मैच 17 रन से जीत लिया और यह स्कॉटलैंड की दूसरी जीत थी। जीत के साथ स्कॉटलैंड ने अपने कदम सुपर 12 की ओर बढ़ा दिए हैं। स्कॉटलैंड की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट जोस डेवी ने लिए। डेवी ने 4 विकेट लेकर पापुआ न्यूगिनी के लिए लक्ष्य मुश्किल कर दिया। न्यूगिनी की ओर से सबसे ज़्यादा रन नॉर्मन वनुआ ने 47 रन बनाए। इससे पहले स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हराया था। इससे पहले स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पहले खेलते हुए स्कॉटलैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 165 रन बनाए। रिची बैरिंगटन और मैथ्यू क्रॉस ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की, जिसके कारण स्कॉटलैंड की टीम पपुआ न्यूगिनी के खिलाफ 20 ओवर में 9 विकेट पर 165 रन बना पाने में सफल रही। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए स्कॉटलैंड का पहला विकेट 22 रन पर गिरा, लेकिन इसके बाद मैथ्यू क्रॉस और रिची बैरिंगटन ने क्रीज पर जमकर बल्लेबाजी की। रिची बैरिंगटन ने 49 गेंद पर 70 रन बनाए, तो वहीं क्रॉस ने 36 गेंद पर 45 रन बनाए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की। दोनों की बल्लेबाजी का कारण ही टीम 165 रन बना पाने में सफल रही। बैरिंगटन ने अपनी 70 रन की पारी में 6 चौके और 3 छक्के जमाए। इसके अलावा क्रॉस ने अपनी 45 रन की पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाकर पापुआ न्यूगिनी की गेंदबाजों की खूब धुनाई की। पापुआ की ओर से काबुआ मोरिया ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की ओर से यह स्कोर सर्वोच्च टीम स्कोर रहा है। स्कॉटलैंड ने अपने पहले ही मैच में बांग्लादेश को हराकर बड़ा उलट फेर किया था। बांग्लादेश को हराने के बाद स्कॉटलैंड की टीम आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। दूसरी ओर पापुआ न्यूगिनी को सह मेजबान ओमान ने पिछले मैच में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जिससे टीम का आत्मविश्वास यकीनन स्कॉटलैंड से कम होगा। पापुआ न्यूगिनी की अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो विकेटों के चलते यहां पे स्कॉटलैंड ने 165 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए पापुआ न्यूगिनी की टीम 148 रन ही बना पाई। अगर आपको पूरे प्लेयरों के स्कोर कार्ड आपके सामने रखें तो स्कॉटलैंड की ओर से मुंसे ने यहाँ पे बनाए 15 रन 10 गेंदों में, जिसमें 3 चौके शामिल थे। उसके बाद कॉटचर ने यहाँ पे 6 रन का योगदान दिया 6 गेंदों में, जिसमें 1 चौका शामिल था। एम क्रॉस ने यहाँ पे 45 रन बनाए 36 गेंदों का सामना करा, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। बैरिंगटन ने यहाँ पे अपना सर्वोच्च स्कोर यहाँ पे खड़ा करा 70 रन की, यहाँ पे एक साझेदारी बनाई यहाँ पे एम क्रॉस के साथ, जिसमें 3 छक्के और 6 चौके थे। 50 गेंदों का यहाँ पे बैरिंगटन ने सामना किया। मैकलॉयड ने यहाँ पे 10 रन बनाए 11 गेंदों में, जिसमें 1 चौका शामिल था। लिस्क ने यहाँ पे 9 रन बनाए 4 गेंदों में, जिसमें 1 छक्का शामिल था। क्रिस ग्रीव्स ने यहाँ पे 3 गेंदों का सामना करा, जिसमें 2 रन शामिल थे। मार्क वाट ने यहाँ पे कोई रन नहीं बनाए, डेवी ने भी कोई रन नहीं बनाया। इवांस यहाँ पे नॉट आउट पवेलियन की ओर गया। गेंदबाजों की बात की जाए अगर पप्पा न्यूगिनी की, तो पोकाने ने यहाँ पे 4 ओवर में 37 रन दिए। चार्ल्स एमिनी ने 4 ओवर में 40 रन दिए।
काबुआ मोरिया ने यहाँ पर 4 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट हासिल करे, जो अपनी टीम से सफल गेंदबाज के रूप में उभरे। काबुआ मोरिया 4 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट हासिल करे। चैट सॉपर ने यहाँ पर 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट हासिल करे, जो दूसरे सफल गेंदबाज बने पापुआ निगिने के लिए। लेगा शेगा ने यहाँ पे 1 ओवर में 8 रन दिए और सिमोन अटाई ने 3 ओवर करा, जिसमें 20 रन देकर 1 विकेट हासिल करा। और इसके चलते पापुआ निगिने की टीम 165 रन का पीछा करने उतरी, तो उनकी यहाँ पे ओपनिंग जोड़ी ने इतनी सदी हुई शुरुआत यहाँ पे उनको नहीं दी। टोनी ओरा और लेगा सिया का बहुत ही जल्द पवेलियन की ओर भेज दिए गए। असदवाला ने थोड़े से यहाँ पे 18 रन की एक छोटी सी पारी खेली, जिसमें 4 चौके शामिल थे। उनको भी यहाँ पे बी अवांस ने कैच थमा बैठे यहाँ पे व्हील के हाथों। चार्ल्सी एमी ने 1 रन बनाया जो रन आउट हुए। सी बाऊ ने यहाँ पे 24 रन का योगदान दिया 23 गेंदों में, जिनका विकेट भी व्हील ने लिया। सिमोन अटाई ने यहाँ पे 3 गेंदों का सामना करा और 2 रन बनाया, जिनका विकेट यहाँ पे डेवी ने लिया। केपलिन डोरिगा ने यहाँ पे 18 रन का योगदान दिया, लेकिन उनका ये योगदान पापुआ निगिने को इतने बड़े स्कोर के पास तक नहीं ले पाया। और चैड शॉपर ने यहाँ पे 16 रन बनाए, नौसाइना पोकाना ने 1 रन बनाया और काबुआ मोरिया ने यहाँ पे 6 रन का योगदान दिया 1 गेंद पे। और स्कॉटलैंड ने यह मैच 17 रन से अपने नाम किया। ब्रैडली व्हील ने यहाँ पे 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट लिए स्कॉटलैंड के लिए। जॉस डेवी ने यहाँ पे 3 ओवर में 3 गेंदें कराते हुए 18 रन देकर 4 विकेट अपने नाम करे। स्कॉटलैंड की ओर से यहाँ पे ये शानदार गेंदबाजी हुई। लस्टर एवांस ने 3 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट हासिल करे। मार्क वॉट ने यहाँ पे 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट हासिल करे। मिचेल लिस्क ने यहाँ पे 2 ओवर में 11 रन दिए। क्रिस ग्रीव्स ने यहाँ पे 3 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट हासिल करा। तो यह मैच स्कॉटलैंड ने शानदार तरीके से अपने नाम करा।